हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर चैनल एज एजस्क स्टूडेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है चैप्टर सेकेंड उसमें हम देखेंगे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कम्बसन इंजन जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने इंजन की जो इंट्रोडक्शन देखी थी वट इज़ टू स्ट्रोक वट इज़ फोर स्ट्रोक और वट इज़ इंजन इंजन टर्मिनोलॉजी सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे वेरियस कम्पोनेंट्स ऑफ इंजन अ हीट इंजन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल इन हीट एनर्जी जो हमारा हीट इंजन होगा और सिंपली इंजन होगा उसमें जो केमिकल एनर्जी होगी फ्यूल की उसको पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग एंड देन हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम मकैनिकल वर्क में और जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेंगे वो वेरियस कंपोनेंट्स होंगे लाइक पिस्टन कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट वाल्व्स वाल मैकेनिज्म वो सारे कंपोनेंट होंगे जिनकी वजह से हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो वेरियस कंपोनेंट्स पिस्टन कनेक्टिंग रॉड कैंप शॉफ्ट पुश रॉड क्रैंक केस फ्लाई व्हील स्टार्टर मोटर एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड इनलेट मैनीफोल्ड स्पार्क प्लग इंजेक्टर ये सारे क्या हैं इंजन कंपोनेंट्स हैं इनको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर ब्लॉक इज द मेन बॉडी ऑफ एन इंजन विच हाउसेस ऑल सिलेंडर्स जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो एक सिलेंडर ब्लॉक है एक कंप्लीट यूनिट होती है सिलेंडर ब्लॉक उसमें डिफरेंट सिलेंडर्स होते हैं वो तीन हो सकते हैं चार हो सकते हैं दो हो सकते हैं इन वाटर कूल्ड इंजन्स जो इंजन्स होंगे बड़े हैवी इंजन्स होंगे उनकी जो कूलिंग होगी वो कूलेंट के थ्रू होगी वाटर के थ्रू होगी तो उस सिलेंडर ब्लॉक में क्या होता है कूलिंग जैकेट्स होती हैं कूलिंग पैसेज होते हैं जिनमें कूलेंट सर्कुलेट करता है इन वाटर कूल्ड इंजन वाटर जैकेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट इन सिलेंडर ब्लॉक टू रिमूव हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कम्बस्शन जो कम्बस्शन के ड्यूरिंग हीट प्रोड्यूस होगी उसको रिमूव करना जरूरी होगा और वो हीट रिमूव कौन करेगा कूलेंट तो कूलेंट सर्कुलेट करता है कूलिंग पैसेज से ठीक है फंक्शन क्या है सिलेंडर ब्लॉक का द फंक्शन ऑफ अ सिलेंडर इज़ टू गाइड द पिस्टन पिस्टन को गाइड करेगा मूव करने के लिए रेसिप्रोकेट करने के लिए एंड सेकेंड हाउसेज कूलिंग पैसेज फॉर हीट रिमूवल मटीरियल क्या होगा इसका कास्ट आयरन का बना हो सकता है वो कास्ट एल्यूमिनियम का हो सकता है एंड वेल्डेड स्टील्स का हो सकता है और स्पेशल ओलाय स्टील का सिलेंडर ब्लॉक हो सकता है जो लाइटर इंजनस होते हैं वो उसमें एल्यूमिनियम वाला यूज़ होगी और जो हैवी इंजनस होंगे उसमें कास्ट वाला यूज़ होगी सेकेंड इज सिलेंडर लाइनर द सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड विद सिलेंडर लाइनर्स जैसे कि आपने प्रीवियस देखा सिलेंडर ब्लॉक इसमें जो चार सिलेंडर बने हुए हैं जो आप होल्स देख रहे हो फोर वो है सिलेंडर इन सिलेंडर्स के अंदर एक स्लीव फिट की होती है एक हॉलो पाइप फिट की होती है उसको बोलते हैं सिलेंडर लाइनर द सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड विद सिलेंडर लाइनर्स सो दैट इन केस ऑफ वियर दे कैन बी ईजली रिप्लेसड अगर आप पिस्टन को इस सिलेंडर के अंदर डायरेक्टली रेसिप्रोकेट करवाओगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा जो सिलेंडर्स हैं आपके चार यहाँ पर उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा उनका जो डायमीटर था वो इंक्रीज़ हो जाएगा वियर के कारण तो आपको पूरे का पूरा सिलेंडर ब्लॉक रिप्लेस करना पड़ेगा तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सिलेंडर लाइनर तभी जो वियर एंड टीयर होगी वो किसकी होगी सिलेंडर लाइनर की द सिलेंडर लाइनर आर जस्ट लाइक हॉलो पाइप द सिलेंडर लाइनर्स आर ऑफ टू टाइप्स वो दो टाइप के होते हैं ड्राई लाइनर एंड वेट लाइनर अगर तो लाइनर डायरेक्ट कंटैक्ट में होगा पानी के साथ कूलेंट के साथ तो उसको हम बोलेंगे वेट लाइनर अगर डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे ड्राई लाइनर सिलेंडर लाइनर्स विच डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट कंटैक्ट विद द इंजन कूलिंग वाटर इज़ नोन एज ड्राई लाइनर जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो पिक्चर में एंड आ सिलेंडर लाइनर विच हैव इट्स आउटर सर्फेस इन डायरेक्ट इंटैक्ट विद द इंजन कूलिंग वाटर इज नोन एज द वेट लाइनर जैसे कि आप पिक्चर में नीचे देख रहे हो इसका फंक्शन क्या है टू प्रिवेंट वीयर एंड ईयर ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन को गाइड करेगा मूव करने के लिए नेक्स्ट वियर एंड ईयर प्रिवेंट करेगा किसकी सिलेंडर ब्लॉक की मटीरियल क्या होगा इसका कास्ट स्टील हो सकता है कास्ट आयरन हो सकता है और स्पेशल अला स्टील हो सकता है एंड थर्ड इज सिलेंडर हैड फन एंड ऑफ द सिलेंडर इज क्लोज बाई मीन ऑफ सिलेंडर हैड जैसे कि आपने सिलेंडर ब्लॉक में देखा अभी इसमें पिस्टन तो रेसिप्रोकेट करेगा लेकिन इसका जो ऊपर ओपन एंड है उसको कवर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सिलेंडर हेड वन एंड ऑफ द सिलेंडर हेड इज़ क्लोज बाय मीनस ऑफ सिलेंडर हेड इट इज़ यूजली मेड ऑफ बॉक्स टाइप सेक्शन जैसे कि एक बॉक्स देख रहे हो बॉक्स टाइप सेक्शन जैसा बना होता है किस किस को अकोमोडेट करता है वो किस किस को हाउसेस करता है इनलेट वाल्व को एग्जॉस्ट वाल्व को एंड स्पार्क प्लग को स्पार्क प्लग इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एंड इंजेक्टर लगा होगा इन केस ऑफ डीजल इंजन एट सेंटर ऑफ द कवर द सिलेंडर हेड इज सिंगल कास्टेड यूनिट एंड बोल्टेड टू द टॉप पोर्शन ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर टॉप पे लगा होगा कौन सिलेंडर हेड। इसका फंक्शन क्या है क्लोजज ओपन एंड ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर का जो ओपन एंड होगा उसको कवर कर देगा एंड हाउसिंग प्रोवाइड करता है किसको स्पार्क प्लग को वाल्ब्स को एंड इन केस ऑफ डीजल इंजन इंजक्टर को मटीरियल क्या होगा इसका कास्ट आयरन एंड कास्ट एल्यूमिनियम फोर्थ इज़ पिस्टन पिस्टन इज़ अ सिलेंड्रिकल यूनिट पिस्टन एक सिलेंड्रिकल यूनिट होगी सिलेंड्रिकल शेप में होगा एंड इट इज़ यूज टू कंप्रेस द चार्ज ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक एंड टू ट्रांसमिट द गैस फोर्स टू द कनेक्टिंग रॉड एंड देन टू द क्रेंक शाफ्ट ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक जो हमारा पिस्टन होगा वो सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर आया था उसको कंप्रेस करने में हेल्प करेगा एंड आफ्टर कंबशन जो फोर्सेज जनरेट होंगी उसको वो ट्रांसमिट करेगा कहाँ तक क्रैंकशाफ्ट तक किसके थ्रू कनेक्टिंग रॉड के थ्रू द पिस्टन इज़ क्लोज एट वन एंड जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो वहाँ पे पिस्टन पूरा क्लोज होगा बंद होगा और नीचे की तरफ ओपन होगा नीचे की तरफ ओपन इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड लगेगा फंक्शन क्या है इसका द पिस्टन ऑफ एन इंटरनल कम्बसन इंजन इज़ टू रिसीव द इम्पल्स इम्पल्स और फोर्स फ्रॉम द एक्सपेंडिंग गैसेज जो गैसेज एक्सपेंड होंगी ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक उनकी फोर्सेस को रिसीव करना एंड ट्रांसमिट कहाँ ट्रांसमिट करना कहाँ तक क्रैंक शाफ्ट तक थ्रू कनेक्टिंग रॉड मटेरियल क्या होगा इसका कास्ट आयरन का हो सकता है पिस्टन इन हैवी इंजनस एंड एलुमिनियम का हो सकता है इन लाइटर इंजनस एंड फिफ्थ इज पिस्टन रिंग्स पिस्टन रिंग्स आर यूज टू इम्पार्ट नेसेसरी रेडियल प्रेशर टू मेंटेन द सील बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर बोर जो पिस्टन होगा हमारा जैसे आप पिस्टन देख रहे हो यहाँ पर ग्रूव्स दिए हुए हैं पिस्टन ग्रुप्स ऊपर पिस्टन क्राउन नीचे पिस्टन ग्रुप्स जो पिस्टन का साइज़ होगा वो सिलेंडर से थोड़ा सा छोटा होगा और जो क्लियरेंस है बिटवीन वो कौन फिल करेगा पिस्टन रिंग्स फिल करेंगी उन ग्रुप्स के बीच हम पिस्टन रिंग्स लगा देते हैं वो रेडियल प्रेशर एग्जर्ट करती हैं इन सिलेंडर वॉल ये दो टाइप की होती हैं पिस्टन रिंग्स एक तो होती है कंप्रेशन रिंग और उसको बोलते हैं प्रेशर रिंग एंड सेकेंड होती है ऑयल कंट्रोल रिंग्स एंड ऑयल स्क्रैपर्स जो कंप्रेशन रिंग होगी वो पिस्टन के ऊपर लगी होगी और जो ऑयल कंट्रोल रिंग होगी जहाँ ऑयल स्क्रैपर होगा वो नीचे लगी होगी पिस्टन स्कर्ट के नज़दीक द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पिस्टन रिंग इज़ टू रिटेन कंप्रेशन एंड एट द सेम टाइम रेड्यूज द सिलेंडर वॉल एंड द पिस्टन वॉल कंटेक्ट एरिया टू ग मिनिमम अगर हम पिस्टन का साइज़ सिलेंडर बोर के साइज़ के इक्वल कर देंगे तो वहाँ पर पूरा पिस्टन टच करेगा सिलेंडर वॉल को इसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक तो हम पिस्टन रिंग्स लगाते हैं दूसरा जो ऊपर कंप्रेशन बनेगी वो नीचे लीक ना हो ऊपर प्रेशर बना रहे उसकी वजह से हम कंप्रेशन रिंग्स यूज करते हैं और जो नीचे ल्युब्रिकेशन होगी वो ल्युब्रिकेटिंग ऑयल ऊपर ना जाए कंबेशन चैम्बर में उसको कौन प्रिवेंट करेगा ऑयल कंट्रोल रिंग इसका मटेरियल क्या होता है कास्टायरन प्रेस्ड स्टील ऑयल सिक्स इज पिस्टन पिन पिस्टन पिन कब काम आएगी जो पिस्टन होगा उसको कनेक्टिंग रॉड के साथ अटैच करने के लिए हम पिस्टन पिन यूज़ करते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो स्मॉल एंड दिया है कनेक्टिंग रॉड का और एक जो पिस्टन पिन दी है एक साइड पिस्टन पॉस है पिस्टन पिन को साइड पे लॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं सर क्लिप ता जो पिन हमारी मूव ना करे लॉन्गिट्यूडली और हॉरिजॉन्टली पिस्टन पिन आल्सो कॉल्ड गजन पिन और रिस्ट पिन पिस्टन पिन के दो और नाम है एक तो गजन पिन एंड एक इज़ रिस्ट पिन इट इज़ यूजली मेड हॉलो हॉलो होती है वो पिन द पिस्टन पिन passes थ्रू द bosses provided ऑन द inside of ऑफ द पिस्टन स्कर्ट एंड द बुश ऑफ द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के बॉस से पास करेगी एंड कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड से पास करती है पिस्टन पिन। इसका फंक्शन क्या हुआ कनेक्ट करेगी पिस्टन को विद स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड ठीक है कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन को कौन अटैच करेगा पिस्टन पिन और गजन पिन और रिस्ट पेन किस मटीरियल की बनी होगी फॉर्ज स्टील की एंड केस हार्डन स्टील की सेवन्थ इज कनेक्टिंग रॉड अभी कनेक्टिंग रॉड क्या होगी इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग शैंक एक लॉन्ग शैंक होगा उसके दो एंड होंगे स्मॉल एंड होगा और बिग एंड होगा जैसे कि आपने प्रीवियस कंपोनेंट में देखा सिक्स कंपोनेंट में जो पिस्टन पिन थी वो कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड को अटैच करती थी विद पिस्टन सो कनेक्टिंग रॉड के दो एंड होते हैं एक स्मॉल एंड एट बिग एंड द करॉस सेक्शन ऑफ द शेंक मे वी रेक्टेंगुलर जो क्रॉस सेक्शन होगा क्रेंक कनेक्टिंग uh, रॉड का वो रेक्टेंगुलर हो सकता है सर्कुलर हो सकता है ट्यूबलर हो सकता है आई सेक्शन और एच सेक्शन इन सब में से जो आई सेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा जनरली सर्कुलर सेक्शन इज यूज फॉर लो स्पीड इंजन अवाइल आई सेक्शन इज प्रेफर्ड फॉर हाई स्पीड इंजनस इसका फंक्शन क्या होगा कनेक्टिंग रॉड का द कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स पिस्टन एंड द करेंकश शाफ्ट ठीक है पिस्टन को क्रेंक शाफ्ट के साथ कौन अटैच करेगा कनेक्टिंग रॉड सो हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड होगा वो पिस्टन के साथ अटैच होगा और जो बिग एंड होगा वो क्रैकशाफ्ट के साथ अटैच होगा इसका मटेरियल क्या होगा द मटेरियल मोस्टली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग रॉड्स वेरीज़ फ्रॉम माइल्ड कार्बन स्टील्स हैविंग 0.35 टू 0.45 परसेंट कार्बन टू अलॉय स्टील क्रोम निकल और क्रोम मोलिबेनम स्टील्स ठीक है इन सभी मटेरियल्स की कनेक्टिंग रॉड बनी हो सकती है वो डिपेंड करेगा इंजन के ऊपर इंजन के साइज़ के ऊपर इंजन हैवी इंजन है और इंजन वो हम स्मॉल लो स्पीड इंजन ऐसे डिपेंड करता है इंजन के ऊपर कनेक्टिंग रॉड का मटेरियल एट्थ इज क्रेंक शाफ्ट द करेंकश शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट पार्ट्स विच रिवॉल्व इन द मेन बीरिंग्स द क्रैंक पिन टू विच द बिग एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड्स आर कनेक्टेड द क्रैंक आर्म्स और बेब्स आल्सो कॉल्ड चीक्स विच कनेक्ट्स द क्रैंक पिन एंड शाफ्ट पार्ट्स मेनली क्रैंक शाफ्ट के तीन पार्ट होंगे एक तो मेन बियरिंग्स होंगे दूसरा क्रैंक पिनज होंगी और दूसरा क्रैंक आर्म्स होगी और पेब्स होंगी इनको चीक्स भी बोला जाता है फंक्शन uh, क्या है इसका द क्रैंकशाफ्ट शाफ्ट विद द क्रैंक इज़ यूज टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इन टू रोटरी मोशन अभी जो पिस्टन था थ्रू एक्सपेंडिंग गेंसेज वो नीचे मूव करेगा और जो उसका मोशन होगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन थ्रू कनेक्टिंग रॉड ट्रांसमिट किया कर दिया जाएगा क्रैंक शाफ्ट को तो क्रेंक शाफ्ट का मेन काम क्या होगा मेन फंक्शन क्या होगा पिस्टन के रेसिव रोगेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देना ये मेन फंक्शन होता है क्रैंकशाफ्ट का इसका मटेरियल क्या है द क्रैंकशाफ्टी मेड ऑफ कार्बन स्टील स्पेशल स्टील और स्पेशल कास्ट आयरन नाइन्थ इज कैमशाफ्ट कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट इज ड्रेवन बाई क्रैंकशाफ्ट एट हाफ द स्पीड ऑफ द क्रेंकशाफ्ट ठीक है जो क्रैंकशाफ्ट की स्पीड होगी मीन स्मॉल टू हंड्रेड आर है तो कैम शाफ्ट की स्पीड क्या होगी हंड्रेड आर हाफ स्पीड पे वो रन करेगी द वाल्ब् आर ओपरेट बाय द एक्शन ऑफ द कैप शाफ्ट कैम शाफ्ट किन को ओपरेट करिए वाल्वस हो इनलैट बल्ब आउटलेट वाल्व विच हैज सपरेट कैम्स फॉर इनलैट एंड एग्जॉस्ट वाल्व इस कैम शाफ्ट के ऊपर अलग अलग लोब्स लगी होंगी इनलैट वाल्व के लिए अलग होंगी आउटलेट वाल्व के लिए अलग होगी द कैम लिफ्ट वाल्व अगेंस्ट द प्रेषर ऑफ द स्प्रिंग एंड एज सोन एज इट चेंजेस पोजिशन द स्परिंग क्लोज द बाल्ब जो कैम शाफ्ट की कैम लोब होगी वो स्प्रिंग की फोर्स के अगेंस्ट वाल्व को ओपन करेगी और जब कैम लोब की पोजीशन चेंज होगी कैम हील की तरफ आएगा वो तब जो प्रेशर का था स्प्रिंग का उसकी वजह से वाल्व द्वारा क्लोज हो जाएगा फंक्शन क्या है इसका द मेजर फंक्शन ऑफ द कैम शाफ्ट इज़ टू ऑपरेट द इन एंड एग्जॉस्ट वाल्ब्स थ्रो कैम लो मटीरियल क्या होगा किस मटीरियल की बनी होगी फॉर्ज स्टील की बनी हो सकती है वो कास्ट आयरन की बनी हो सकती है एंड कास्ट स्टील की हो सकती है कुछ जो इंजनस हैं मॉडर्न इंजन्स उनके लिए इनलेट वाल्व के लिए अलग कैम शाफ्ट लगी होगी आउटलेट वाल्व के लिए अलग कैम शाफ्ट लगी होगी वो डिपेंड करेगा इंजन के डिज़ाइन के ऊपर एंड टेंथ इज़ वाल्व अभी दो वाल्व देखे हमने कैम शाफ्ट के अंदर इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व देर आर टू बाल्ब्स इन इंजन नेमली इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व द वाल्व ऑपरेशन विल बी एज पर वाल्व टाइमिंग वाल्व टाइमिंग के हिसाब से वाल्व ओपन होगा और वाल्व क्लोज होगा द इलेट वाल्व हैज़ वाइडर फेस और इन लेटेस्ट इंजनस टू इनट वाल्ब्स आर यूज टू मैंटे वॉलीट्रिक एफिशेंसी ऑफ द इंजन जो मॉडर्न इंजन हैं उनमें दो इनलेट वाल्व हो सकते हैं या फिर जा, क्या होगा इनलेट वाल्व का साइज़ ज़्यादा होगा एगजॉस्ट वाल्ब से टू मैंटेन वॉलीट्रिक एफिशियसी वॉलीमेट्रिक एफिशियसी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज अंदर आए ड्यूरिंग सेक्शन स्ट्रोक इसी वजह से हम इनट वाल्व का साइज़ बड़ा कर देते हैं जहाँ फिर दो इन्लेट वाल्व यूज़ करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ हेड फेस एंड स्टेम वाल्व के तीन पार्ट होंगे एक तो हेड होगा और उसके बाद स्टेम होगा और उसके बाद एक फेस होगा फंक्शन कैस का द बजर फंक्शन ऑफ द इनलेट वाल्व इज़ टू अलाउ फ्रेश चार्ज इन टू द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक एंड ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व इज टू गिव पैसेज टू एगजॉस्ट गैसेज टू स्केप इन टू एटमोस्फियर ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब सक्शन स्ट्रोक होगा तब इनलेट वाल्व अलाउ करेगा फ्रेश चार्ज को सिलेंडर के अंदर आने के लिए और जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तो एग्जॉस्ट वाल्व अलाउ करेगा एग्जॉस्ट गैसेस को एटमॉस्फेयर में जाने के लिए मटेरियल क्या होगा इसका निकल क्रोमियम ओलाई स्टील वाल्व का कॉमनली मटेरियल यूज होगा निकल क्रोमियम ओलाई स्टील जो वाल्व्स हैं वो सोडियम कूल्ड भी हो सकते हैं जो स्टेम होगी उसमें हॉलो होगी और उसमें सोडियम फिल किया होगा उनको बोलते हैं सोडियम कोल्ड वाल्स एलेवंथ इज़ फ्लाईविल फ्लाईविल इट इज़ द रोटेटिंग मास विद द लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कनेक्टेड टू द क्रेंकशाफ्ट ऑफ द इंजन इंजन की क्रेंकशाफ्ट के साथ एक लार्ज मास अटैच किया जाता है एक एंड की तरफ उसको क्या बोलते हैं flywheel. Flywheel हम फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील हम यूज़ करेंगे टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन और टू रड्यूज द अनयूनिफॉर्मिटी नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क और फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने के लिए फ्लाई व्हील का यूज़ किया जाता है जब देखिए आप फोर ऑपरेशन होते हैं सक्शन कंप्रेशन पावर एंड एग्जॉस्ट पावर मिलेगी सिर्फ पावर स्ट्रोक में और एक्सपेंशन स्ट्रोक में बाकी तीन स्ट्रोक जो सक्शन कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट बचे वो होते हैं आइडल स्ट्रोक जब पावर स्ट्रोक होगा तब पावर एक्सेस में होगी उस पावर को ऑब्जॉर्व कर लेगा फ्लाई व्हील और जब आइडल स्ट्रोक्स होंगे तब वो ट्रांसमिट कर देगा इन स्ट्रोक्स को जो उसने पावर ऑब्जॉर्व की थी यही इसका फंक्शन है द पर्पस ऑफ द फ्लाई व्हील इज टू स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक एंड डिलीवर्स एट टू द आइडल कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट और सेकेंड फंक्शन इसका टू रिड्यूज वाइब्रेशंस और टू रड्यूज़ फ्लक्चुएशंस मटेरियल क्या इसका? है इसका कास्ट आयरन का बना होता है मटेरियल फ्लाई व्हील का कास्ट आयरन होगा चाहे वो पेट्रोल इंजन हो और चाहे डीजल इंजन हो टू स्ट्रोक में जो फ्लाई व्हील का साइज़ होगा वो छोटा होगा लाइटर फ्लाई व्हील यूज़ होगा एंड फोर स्ट्रोक में फ्लाई व्हील का साइज़ ज़्यादा होगा हेवियर फ्लाई व्हील यूज़ होगा क्योंकि उसमें जो टॉर्क फ्लक्चुएशन है फोर स्ट्रोक में वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टू स्ट्रोक एंड ट्वेल्थ इज स्पार्क प्लग इट इज़ जर्नली प्लेस्ड इन द कम्बस्शन चैम्बर ऑफ द सिलेंडर हैड दिस इज ओनली यूज इन पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग यूज़ होगा जब कंप्रेशन स्ट्रोक कम पूरा हो जाएगा पेट्रोल इंजन के अंदर तब स्पार्क क्रिएट किया जाएगा थ्रू स्पार्क प्लग टू इनाइट द मिक्सचर और उसके बाद कंबस्शन स्टार्ट होगी ठीक है इट इज़ जनरली प्लेसड इन द कम्बशन चैम्बर ऑफ द सिलेंडर हेड दिस इज ऑनली यूज इन पेट्रोल इंजन फंक्शन क्या कल द फंक्शन ऑफ द स्पार्क प्लग इज टू इग्नाइट द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ एन इंजन अभी स्पार्क प्लग का मटीरियल अलग अलग होगा इलेक्ट्रोड अलग मटीरियल का बना होगा इंसुलेटर पोरसिल मटीरियल का बना होता है इसमें कंपोनेंट्स क्या है इसका टर्मिनल नट रिब्स इंसुलेटर गैसकट थ्रेड ग्राउंड इलेक्ट्रोड होगा और उसका एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड होगा तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं स्पार्क प्लग के एंड थर्टीनथ इज डैम्पर डैम्पर और वाइब्रेशन डैम्पर कॉमनली नोन हैज क्रेंकशाफ्ट पुली क्रेंकशाफ्ट पुली को बोलते हैं हम डैम्पर और वाइब्रेशन डैम्पर माउंटेड एट द फ्रंट एंड ऑफ द इट ड्राइव्स असेसरी बेल्ट विच इन टर्न ड्राइव अल्टरनेटर एयर कंडीशनर कंप्रेसर इसके ऊपर दो पुलिस लगी होती हैं जो पुली ड्राइव करती है अल्टरनेटर को करंट जनरेट करने के लिए एंड एसी को ऑपरेट करने के लिए एक पोली बनी होगी वो भी डैम्पर के ऊपर ही बनी होगी फंक्शन क्या है इसका इट ऑब्जॉर्व्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कम्बशन इन एन इंजन ड्यूरिंग कम्बसन जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी टोरिजोनल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी उनको ऑब्जॉर्व कौन करेगा डैम्पर करेगा मटीरियल कैस इसका वाइब्रेशन डैम्पर्स में भी सिंगल कास्टेड पोली सिंगल कास्ट आयरन एक यूनिट हो सकती है इसकी लेकिन जो मॉडर्न इंजन हैं उसमें बिलट इन हारमोनिक डैम्पर लगा होता है इन द फॉर्म ऑफ सप्लेट डिज़ाइन नोट आ सिंगल कास्टेड यूनिट बट डिज़ाइन क्या होगा स्प्लिट डिज़ाइन होगा विद आ थिक रबड़ पैड सेंट बिच बिटवीन टू स्टील शीट्स जो ओल्डर इंजन थे उसमें एक सिंगल कास्ट यूनिट थी लेकिन जो मॉडर्न इंजन हैं उसमें दो स्टील प्लेट्स के सेंटर में रबड़ को सैंडविच किया जाता है और एक कम्पलीट यूनिट बनाई जाती है और वो डैम्पर का काम करती है वो ज़्यादा वाइब्रेशन अब्जॉर्व करिए एज़ कम्पेयर टू सिंगल कास्टड पुल तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इंजन इन सभी के हमने मटेरियल्स देखे फंक्शंस देखे विद डायग्राम्स ओके स्टूडेंट्स जैसे कि आप एक बार रिवाइज कर लो इसको पूरी पिक्चर में इसमें सभी कंपोनेंट्स दिए हैं और उनकी लोकेशन दी है उसकी हेल्प से आपको एक आइडिया हो जाएगा कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा होगा और उसका क्या फंक्शन होगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच